इंटरनेट, दिस इज हलवॉकर। होप यू डूइंग ग्रेट। और स्टॉक मार्केट सीरीज के तीसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे टाटा स्टील और टाटा केमिकल के टेक्निकल टारगेट्स और क्या रहेगा स्टॉप लॉस, कहां तक के टारगेट बनेंगे और कहां बनेगी एंट्री इन दोनों ही स्टॉक्स में, उस बारे में आज की चर्चा है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये दोनों ही स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं और यहाँ से एक टर्न अराउंड स्टोरी इन दोनों स्टॉक्स में हो सकती है, तो वो ही ट्रेजेक्ट्री इन दोनों स्टॉक्स ने पकड़ ली है। मैंने एक लेवल भी डिस्कस किया था, टाटा केमिकल के लिए 1200 का लेवल, टाटा स्टील के लिए 152 के आसपास का जो है लेवल, तो उस बारे में जो है आज की चर्चा है। तो मेरे सामने जो है ओपन है अभी इस वक्त टाटा केमिकल का स्टॉक, और जैसा कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ, जो नियर टर्म हर्डल है जो कि अराउंड 1144 का है, 1144 का ही है, वो इसने सक्सेसफुली ब्रेकआउट कर दिया है और बहुत ही अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 47 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। पर जो इम्पॉर्टेंट लेवल था, जिसके लिए जो है सारे लोग बेताब थे, आई वुड से सारे पुराने इन्वेस्टर्स और ट्रेडर, वो आपको वीकली चार्ट में दिखेगा, और वो लेवल है आपका 1217 का लेवल। जी हाँ, 2022 में इसने 1200 लेवल टच किया था, उसके बाद इसने एक और बार जो है 1200 मारा, पर उसके बाद से ये पूरा स्टॉक जो है एक बियरिश जोन में रहा। तो ये अभी एक इम्पॉर्टेंट ब्रेकआउट दे चुका है ये पर्टिकुलर स्टॉक, और यहाँ से जो है ये ऊपर की रैली देने के लिए तैयार है। पर क्या अभी इसमें एंट्री बनती है? जी नहीं, अभी नहीं बनती, मैं बताऊँगा आगे क्यों नहीं बनती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इस पर्टिकुलर स्टॉक का टेक्निकल टारगेट क्या बनता है। तो कैलकुलेटर ओपन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पकड़ते हैं इसका अपसाइड जो कि अराउंड, चलो 1200 ही ले लेते हैं, ठीक है ना, 1200 गया था ये, और इसने जो लो लगाया था, जस्ट अ सेकेंड, लो लगाया था, अच्छा मैंने मार्क करके रखा हुआ है, वो 878 का लगाया था। तो सीधा सीधा हम लोग को करना कुछ नहीं है, 1200 माइनस 878, ठीक है, ये इतना जो है फॉल था इस पर्टिकुलर स्टॉक में 322 का, एक सेकेंड सही कर रहा हूँ ना, माइनस 878, जी हाँ 322 पॉइंट्स का फॉल था, और यही इसका यहाँ से टारगेट बन जाता है। तो अराउंड 1500 का टारगेट दिख रहा है टाटा केमिकल में, पर क्या अभी यहाँ पर एंट्री बनती है, इस बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी एंट्री बनती है मेरे हिसाब से 1200 से 1220 के बीच में, और मुझे लगता है कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर स्टॉक एक बार 1200 के लेवल को टेस्ट करना आना चाहिए। होता क्या है कि आप जितना ही टाइम स्टॉक मार्केट में बिताओगे, जितने सारे चार्ट्स देखोगे, तो जो भी इतने लंबे ब्रेकआउट्स होते हैं वो यूजुअली तभी सस्टेन करते हैं जब वो एक बार अपने ब्रेकआउट लेवल को टेस्ट करें। अगर एकदम से ऐसे ऊपर निकल जाए तो चांसेस रहते हैं कि वो एकदम से एकदम नीचे आ जाए, ठीक है। तो ये जो मैं कह रहा हूँ ये आप थोड़ा और रिलेट करोगे जैसे जैसे आप जो है मार्केट में थोड़े एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे। तो मेरे हिसाब से इसे एक बार 1216 नहीं तो 1200 का लेवल टेस्ट करने आना चाहिए, और टेस्ट करने के बावजूद भी इसे वीकली क्लोज 1200 के ऊपर देनी चाहिए। जब ऐसा हो जाए तब इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री बनती है विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ आई वुड से 1195 मान लेते हैं। बेसिकली 1200 के नीचे की वीकली क्लोजिंग इस पर्टिकुलर स्टॉक को वीक बना देगी। तो अभी हमें यह देखना है कि एक बार ये स्टॉक 1200 के लेवल को टेस्ट करे, एटलीस्ट 1205 या 1206 तक आए, उसके बाद ये ऊपर निकलना शुरू करे, ठीक है, तब जो है इसमें एंट्री बनेगी, और ये 1200 के नीचे क्लोज ना कर दे, इस चीज़ को जो है आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो फिर से मैं बता देता हूँ, इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो एंट्री बनती है वो बनती है 1200 से आई थिंक 1220 के बीच में, माय बैड, हाँ 1220 के बीच में यही इसकी जो है एंट्री बनती है, और इसका जो टारगेट है वो अराउंड 1500 है। आप 10 पॉइंट्स ऊपर नीचे कर सकते हो, पर 1500 तो आराम से इस पर्टिकुलर स्टॉक में दिखना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि 1200 के लेवल से अराउंड 25% का गेन है, और बहुत जल्दी आ सकता है यार, मतलब हो सकता है कि 6 महीने में आ जाए, हो सकता है कि 2 महीने में आ जाए, और हो सकता है कि कल, मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन मंडे को ही आ जाए, क्योंकि स्टॉक में जो है ऑप्शंस होते हैं। लेकिन अगर मंडे को आ जाए और आपको जो है एंट्री ना मिले 1200 के पास, तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर स्टॉक को चेस करने
मत जाना, क्योंकि जब आप लाइफ टाइम हाई पे किसी स्टॉक को चेज करते हो तो आप ट्रैप हो जाते हैं। जब तक कोई पर्टिकुलर स्टॉक आपके सेटअप में ना आए, खासतौर से जब वो लाइफ टाइम हाई पे हो, तब तक जो है आपको उसमें जो है चढ़ाई नहीं करनी है। आपके सेटअप में आता है कोई स्टॉक लाइफ टाइम हाई पे भी, तब जो है आपको उसमें एंट्री करनी चाहिए, नहीं तो लाइक बहुत लोग ट्रैप होते हैं। मैं भी हुआ शुरुआत के दिनों में। ठीक है, तो ये टाटा केमिकल के लेवल्स मैंने आपको बता दिए। अब हम बात करेंगे टाटा स्टील के। और एक सेकंड, टाटा केमिकल को जरूरी नहीं कि आपको 1500 पे बेच ही देना है। जी हाँ, एक बार रिकंसिडर करना है, क्योंकि ये एक मिड साइज कंपनी है, अराउंड 33,000 करोड़, हाँ 33,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और बहुत ज़्यादा ऊपर की पोटेंशियल है। ये लार्ज कैप स्टॉक नहीं है कि हाँ धीरे धीरे चलेगा। जब ये चलेगा और वहाँ पे भी अगर कोई सेटअप बन गया, तो हो सकता है कि ये वहाँ से डबल हो जाए। जी हाँ, यहाँ पे मैं बड़े टारगेट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 3,000 भी हो सकता है। ठीक है, लाइक नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो लेकिन अभी तो वो चार्ट में मुझे सच दिख नहीं रहा है, किसी और को दिख रहा होगा तो बात अलग है। अगर आपको दिख रहा हो तो प्लीज़ मुझे चैट में बताइएगा, तो उसकी बात नहीं करेंगे। पर हाँ, एक बार आपको रिकंसिडर करना है 1500 के लेवल के बाद, क्या मैं इसे बेच दूँ क्या ना बेचूँ, क्योंकि इसने बहुत ही पुराने लेवल का ब्रेकआउट किया है, और जब भी इतने पुराने लेवल ब्रेकआउट कोई स्टॉक करता है तो वो रैली कंपेरेटिवली लंबी चलती है। जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में टाटा मोटर्स के बारे में और पीएनबी के बारे में भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब टाटा स्टील के चार्ट में आते हैं। टाटा स्टील में भी जो है मैंने 150 का लेवल डिस्कस किया था, और बोला था कि 150 के ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग आती है तब इसको देखा जा सकता है। तो टाटा स्टील 150 के ऊपर सक्सेसफुली क्लोज किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज 157 के अराउंड इसने क्लोज किया है। अभी आपको डेली चार्ट पे कुछ दिख नहीं रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि हायर हाई वाला कुछ पैटर्न यहाँ पे चल रहा है, पर एक बार वीकली चार्ट देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट में यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि भाई बहुत पुराना लेवल जो है, ये जो 153 का था, ये इसने सक्सेसफुली ब्रेकआउट किया है, और इसने एक लेवल जो है, ऐसा नहीं है कि ये 153 के बाद सीधे निकल गया, ये आया अपने 150 के आसपास के जो लेवल को उसने टेस्ट भी किया, और उसके बाद भी जो है 153 के ऊपर क्लोज किया है। तो ये लाइक काफ़ी सस्टेन करेगा ये ब्रेकआउट, ऐसा लग दिख रहा है। और अब इसके टेक्निकल टारगेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका हाई था 153, चलो 154 पकड़ लेते हैं, और इसने लो लगाया था 83 का। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इधर 154 में से 83 माइनस कर देना है 71, और ये हमें 154 में ऐड कर देना है। तो इसके जो जो टारगेट्स बनते हैं वो 225 के बनते हैं, जो कि मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ये स्टॉक चलता है, क्योंकि ये लार्ज कैप कंपनी है, अराउंड 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, तो एक साल ये मतलब एक साल भी लग सकता है ये टारगेट अचीव होने में। ठीक है, तो इतने आराम से आपको बैठना चाहिए, मतलब ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पर हाँ जिनके पास ऑलरेडी है वो यहाँ पे आराम से लाइक बैठ सकते हैं टेंशन फ्री होके। हाँ, पर यहाँ पे एक स्टॉप लॉस की बात ज़रूर कर लें। अगर ये किसी भी केस में ये पर्टिकुलर स्टॉक 150 के नीचे, मतलब ये एक बार एक्चुअली इसने 150 मारा था, ठीक है अराउंड 148 मारा था, पर यहाँ पे जो ब्रेकआउट हमें मिला था वो उसी लेवल पे था। तो आप ये मान लो कि अगर ये 150 के नीचे क्लोज होना शुरू कर देता है ना वीकली बेसिस, वैसा नहीं कि डेली बेसिस पे, क्योंकि डेली पे कुछ भी होता है यार, इस पर्टिकुलर स्टॉक में ऑप्शंस होते हैं, तो एक कैंडल ही जो है आपका स्टॉप लॉस खा जाएगी। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि अगर वीकली क्लोजिंग, अगर ये वीकली क्लोजिंग 150 के नीचे देने लग गया, मतलब दे दिया, तो आपको अगले दिन भाई इससे स्टॉप लॉस ले लेना है और फिर कुछ और देखना है। ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ भी वही सीन है, ये लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट है, यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर नहीं लोगे तो आप ट्रैप हो सकते हो। क्योंकि आप खुद ही सोचो ना, यहाँ पे जिसने बाई किया होगा 2021 में, इसमें तो और पुराना ब्रेकआउट हुआ है, वो भाई देखो 2 साल लगभग 3 साल जो है उसे कुछ यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिला, इनफैक्ट उसने इतना लंबा लाल देखा कि आंखें ही लाल पड़ गई होंगी। बट एनीवेज, तो आपके लाइक एंट्री पॉइंट क्लियर, इसमें अभी भी एंट्री बनती है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था टाटा केमिकल में, एक बार रीटेस्ट करने आना चाहिए किसी भी स्टॉक को अगर लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट हुआ है तो। इसने वो पर्टिकुलर लेवल जो है रीटेस्ट किया है, ये आया था नीचे इस वीक में, अगर आपने ट्रैक थोड़ा सा भी किया होगा तो, और फिर ये वहाँ से ऊपर गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है, और ये आपके लर्निंग में भी बहुत हेल्प करेगा लेवल रीटेस्टिंग। क्योंकि होता क्या है ना कि जिन लोगों ने ये पर्टिकुलर स्टॉक 142 के आसपास कभी खरीदा होगा वो लोग यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि
सुनने लगेगा कि अरे 2 साल बाद मेरा भाव आया है, अब तो इससे निकल जाएं। तो ऐसा कुछ सीन रहता है जो लोग लाइक ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उस केस में जो है ऐसे हम लोग को सिचुएशन कई बार देखने के लिए मिल जाती है, और ये होना भी चाहिए। लेवल हमारे टेस्ट होने चाहिए, और टेस्ट हुआ भी और ये यहाँ से ऊपर निकल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से लाइक इसमें एक बड़ी रैली बन सकती है, और इसमें भी सेम केस है कि 220 के पास आने पे आपको ऐसा नहीं सोचना है कि इसे मैं मुझे बेच ही देना है, आपको इसको एक बार रिकंसिडर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है। और दूसरी बात ये है, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ, कि मान लो कि ये पर्टिकुलर जो लेवल है 200 का भी, मान लो यहाँ से 157 है, ये मंडे या ट्यूसडे या फिर अगले वीक में ही अगर आ जाता है, लाइक 220 का लेवल आपका टारगेट अचीव हो जाता है, तो मेरा सजेशन रहेगा, ऑल दो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हमेशा पूछ सकते हैं, तो पर मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इसे एक बार बुक कर लीजिए। क्योंकि जब कोई टारगेट एकदम से आ जाता है ना, तो आपका दिमाग काम नहीं करता है, खास तौर तो मेरा तो बिल्कुल नहीं करता है, और हम उसमें बैठे रह जाते हैं, ठीक है। तो उस केस में प्लीज़ इस पर्टिकुलर स्टॉक से एग्जिट करना ही समझदारी रहेगी, क्योंकि अगर किसी स्टॉक को ऊपर जाना है ना, लंबी रैली दिखानी है ना, तो धीरे धीरे ही जाता है। अगर जो स्टॉक एकदम से निकल जाएगा ना, वो एकदम से नीचे भी आने की काबिलियत रखता है, ऐसा यूजुअली हो जाता है। हो सकता है कि आपने भी इस तरह का एक्सपीरियंस जो है कभी लाइक फील किया होगा स्टॉक मार्केट में। तो ये एक चीज़ मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर मंडे ट्यूसडे में आपका टारगेट इस तरह का आ जाता है, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर कंसिडर करिएगा एग्जिट करने का। और क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी ऑप्शंस होते हैं, तो क्या पता क्या पता, वैसे तो ऐसा कोई इतनी खतरनाक पोजीशन तो दिख नहीं रही है ऑप्शन डेटा में, पर क्या पता कि अगर ऐसा हो गया, तो मैं तो यही करूँगा कि अगर नेक्स्ट वीक आ जाता है तो मैं इसे एग्जिट करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। सो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।